अरे बच्चों, कैसे हो? पिछले दिन हमने सुनीता विलियम्स यानी साक्षात्कार पाठ का पहला भाग सुना है आपने। उसमें सुनीता विलियम्स की थोड़ा बहुत जानकारी हो चुकी है आपको। आज हम दूसरा भाग में प्रवेश करते हुए पिछले भाग के कुछ मुख्यांश को फिर एक बार पुनरावृत्ति के रूप में हम देखेंगे कि सुनीता विलियम्स को किस तरह प्रेरणा मिली। सुनीता विलियम्स एक ऐसी महिला थी, एक साहसी महिला कैसे बनी, उसी तरह उनकी मैसाचुसेट्स शहर के लोगों से उनका संबंध, उसका महत्व कैसा था, यह सब हम पिछली कक्षा में जानकारी की। वे पायलट थी, पायलट के बाद में अंतरिक्ष यात्री बनी, किस तरह अपना कारनामा को साबित कर लेते हुए आगे बढ़ी है। तो और दो प्रश्न हैं उनके जानकारी के लिए यहाँ पर साक्षात्कार के रूप में। अब उन प्रश्नों की में हम प्रवेश करते हुए यहाँ प्रश्न पूछा गया कि सुनीता विलियम्स को अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए। सुनीता विलियम्स की पढ़ाई के बारे में सुनीता विलियम्स ने अपने उत्तर के रूप में क्या बताया है, सुनिए। मैं ध्यान से पढ़ती हूँ, आप सब अपना पाठ्य पुस्तक पृष्ठ नंबर 57 निकाल कर देखिए। मैं पढ़ाई में श्रेष्ठ नहीं थी, औसत थी। स्नातक की पढ़ाई के बाद भाई को नेवी में भर्ती होते हुए देखा, मुझे भी प्रेरणा मिली। मुझे अपने लंबे लंबे बालों की बड़ी चिंता थी, आज भी मेरे बाल वैसे ही हैं। मैं अपने बालों को कटाकर नेवी में भर्ती होना नहीं चाहती थी। मेरा नेवी में चयन हो गया। मेरी दृष्टि सटीक होने के कारण मुझे पायलट की नौकरी मिल गई। मैं जेट पायलट बनना चाहती थी, किंतु मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। मुझे हेलीकॉप्टर पायलट से ही संतोष करना पड़ा। वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा, कई बार विफल भी हुई। इसमें निराश नहीं हुई, बल्कि मुझे और प्रेरणा मिली। उसी दिन मुझे लगा कि हर जीत के पीछे हार की प्रेरणा होती है। सुनीता विलियम्स ने अपने पढ़ाई के बारे में क्या बताया, इसमें अपना कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए। सुनीता विलियम्स ने पढ़ाई के बारे में, मैं अपने पढ़ाई में श्रेष्ठ नहीं थी, औसत थी। स्नातक की पढ़ाई के बाद भाई को नेवी में भर्ती करते हुए देखा, सुनीता अपनी पढ़ाई में श्रेष्ठ नहीं थी। श्रेष्ठ मैं अपने काम में श्रेष्ठ नहीं हूं। क्या हो सकता है श्रेष्ठ का अर्थ? बताइए बच्चों, श्रेष्ठ का अर्थ क्या हो सकता है? श्रेष्ठ यानी काबिल। या अच्छी पूरी तरह सफल। पढ़ाई में वे कैसी थी? औसत। राजू अपनी पढ़ाई में औसत है। इस वाक्य के द्वारा आप औसत का अर्थ जानकारी दीजिए। राजू अपने पढ़ाई में
औसत है। अपने कक्षा में राजू के बारे में आप जानते हैं ना, औसत एवरेज सगटु, हिंदी में सगटु कहते हैं, हिंदी में एवरेज कहते हैं, अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं। राजू अपने पढ़ाई में औसत है। इस तरह सुनीता भी अपनी पढ़ाई में श्रेष्ठ नहीं थी, आगे नहीं थी, वहाँ पढ़ाई में औसत थी। और स्नातक की पढ़ाई के मुझे भी प्रेरणा मिली, मुझे अपने लंबे लंबे बालों की बड़ी चिंता थी। आज भी मेरे बाल वैसे ही हैं, उन्हें लंबे लंबे बालों की चिंता थी। नैवी बालों को कटाकर नैवी में भर्ती होना नहीं चाहती थी। वे नैवी में, उनके भाई भी नैवी में काम करते थे, लेकिन वे उनकी भाई की तरह नैवी में काम करना नहीं चाहती थी। नैवी में मेरा चयन हो गया। मेरी दृष्टि सटीक होने के कारण मुझे पायलट की नौकरी मिल गई। नैवी में उनका चयन यानी अध्ययन हो गया। उनकी दृष्टि सटीक, दृष्टि अच्छी तेजी से, सटीक यानी अच्छी पूरी तरह रहने से उन्हें क्या मिला, पायलट की नौकरी मिल गई। इस तरह वे मैं जेट पायलट बनना चाहती थी, किंतु मेरी यहाँ इच्छा पूरी नहीं हुई। पहले क्या पायलट बनी, नेवी की पायलट बनी, लेकिन सुनीता विलियम्स की इच्छा क्या थी, जेट पायलट बनने की। जेट पायलट बनने की इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई तब, लेकिन वहाँ मुझे हेलीकॉप्टर पायलट से ही संतोष करना पड़ा। हेलीकॉप्टर के पहले पायलट बनकर वहाँ तक ही संतोष होना पड़ा। लेकिन सुनीता विलियम्स ने अपना कदम आगे बढ़ाई, वहाँ निराश नहीं हुई। यहाँ क्या करें, मुझे और प्रेरणा मिली, सुनीता विलियम्स को और प्रेरणा मिली। उसी दिन सुनीता विलियम्स को लगा कि हर जीत के पीछे हार की प्रेरणा होती है। इसका अर्थ यह है कि एक बार असफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए। निराश होने से हम वहीं पर रुक जाएंगे। आप भविष्य में जो भी एक अच्छा कार्य करने के लिए अपना कारनामा शुरू करते हैं तो वहाँ निराश नहीं होना। कारनामे में, अपने काम में, अपने प्रयोग में कुछ भी कमी हो सकती है, लेकिन उस कमी को अगली बार भर्ती करते हुए आगे बढ़ना, यही साबित किया सुनीता विलियम्स ने। क्या किया उन्होंने, एक बार हार कर वहाँ पीछे नहीं हटी, हार को भी वहाँ प्रेरणा पाई, हार से अपनी प्रेरणा पाते हुए सिर्फ नेवी के पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट से संतोष होते हुए भी निराश ना होकर अंतरिक्ष यात्री बनकर वहाँ एक सफल बनकर दिखाई। इस प्रश्न के द्वारा हम सुनीता विलियम्स की पढ़ाई और उनकी निराशा से आशा की ओर कैसे बढ़ी, यहाँ हम जान, आप सब जानिए। और अगला प्रश्न, आप हेलीकॉप्टर पायलट से अंतरिक्ष यात्री कैसे बने, यह प्रश्न पूछा गया सुनीता विलियम्स से। पहले हेलीकॉप्टर नेवी की पायलट वो नहीं बनना चाहती, बाद में हेलीकॉप्टर की पायलट बनी, हेलीकॉप्टर की पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनी, अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी। तो सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी इसका उत्तर इस तरह बताया कि जब मुझे किसी कारणवश टेस्ट स्कूल जाना पड़ा तो वहाँ मेरी मुलाकात जॉन एंग से हुई। उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया। एक सामान्य हेलीकॉप्टर पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनने के सफर में उनका योगदान हमेशा
याद रखने के लायक है। जब मुझे किसी कारणवश टेस्ट स्कूल जाना पड़ा तो वहाँ मेरी मुलाकात जान उनसे हुई। उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया एक सामान्य हेलीकॉप्टर पायलट से अंतरिक्ष यात्री बनने के सफर में। उनका योगदान हमेशा याद रखने का लायक है। तो हेलीकॉप्टर पायलट से लेकर अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए एक मुख्य भाग उनके जीवन में मिलता है जान एंड से उनकी मुलाकात हुई। वहाँ से वे अंतरिक्ष यात्री बनने में सफल हो गए। और एक प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री की उड़ान खतरों से बनी होती है, इतने खतरों में भी आपको उड़ान भरने की प्रेरणा कैसे मिलती है? और एक प्रश्न पूछा गया सुविधा विलियम्स को, अंतरिक्ष यात्री बनना एक मामूली कार्य नहीं, एक सामान्य कार्य नहीं है, वहाँ एक खतरों से बड़ा कार्य है। इस खतरों से भरा कार्य को करने में आपको प्रेरणा कैसे मिलती है? तब सुनीता विलियम्स ने बताया कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अंतरिक्ष यात्री बनना आसान काम नहीं है, स्वाभाविक है कि यह क्षेत्र खतरों से भरा पड़ा है, किंतु जब कभी कोई अंतरिक्ष यात्री उड़ान के लिए तैयार होता है तो सारी दुनिया उसी की ओर देखती है। मेरे पिता भारत से हैं, मैं भारत संतति की अंतरिक्ष यात्री हूँ। हर भारतीय अपनी प्रार्थनाओं में मेरी सफलता की कामना कर रहा है। यही वे प्रार्थनाएं हैं जो व्यक्ति के साहस को दुगना कर देती है। तो सुनीता विलियम्स ने इस तरह बताया कि अंतरिक्ष यात्री बनना तो एक आसान काम नहीं है, लेकिन जो कठिन कार्य को करते हैं सबकी दृष्टि उस व्यक्ति पर होती है। उसी तरह सारी दुनिया की दृष्टि एक भारतीय महिला सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री बनी उनकी तरफ है। इस अंतरिक्ष यात्री बनने में हर भारतवासी का प्रार्थना है। उस प्रार्थना के कारण वे सफल होकर कठिन कार्य को भी हासिल कर सके। उनका साहस दुगना बढ़ाने में हर भारतवासियों की प्रार्थना इसमें शामिल है, यहाँ बताया है। और अंतिम प्रश्न, भारत के भावी नागरिकों के लिए आपका संदेश, और भारत के भावी नागरिकों के लिए यानी आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए सुनीता विलियम्स का संदेश क्या है? भारत प्रतिभावानों का देश है, यहाँ के गांव-गांव में प्रतिभाशाली बच्चे हैं, यहाँ की लड़कियाँ भी विशेष प्रतिभा रखती है, सब सुशिक्षित होकर आगे बढ़े और देश का नाम हमेशा ऊंचा रखे। सारे भारतवासियों को, भावी नागरिकों को सुनीता विलियम्स ने अपना यह संदेश दिया है कि भारत प्रतिभावानों का देश है, यहाँ हर एक व्यक्ति प्रतिभाशाली है, हर नागरिक प्रतिभा होने वाला हर नागरिक प्रतिभाशाली है। गांव-गांव में बसे हुए बच्चे हैं वे अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, लड़कियां भी प्रतिभाशाली होती हैं। सुशिक्षित होकर अपनी प्रतिभा को और आगे बढ़ाने के लिए हर लड़का क्या करना चाहिए? सुशिक्षित होना चाहिए, अपने शिक्षा को जारी रखते हुए आगे बढ़े और देश का नाम को ऊंचा रखे। देश का नाम ऊंचा करने के लिए आपके कंधों पर एक विशेष स्थान बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? हर नागरिक को इस तरह संदेश देती है कि हर बालक सुशिक्षित बनना चाहिए। इसमें कठिन शब्द
मुलाकात, मुलाकात का अर्थ बताइए बच्चों। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कार्यक्रम टीवी में, रेडियो में और पत्र पत्रिकाओं में देखते हैं। क्या हो सकता है उसका अर्थ? मुलाकात यानी मिलजुलना, मिलना। परिचय होना, भारतीय, इसमें प्रत्यय क्या हो सकता है बताइए। ये उसी तरह सफलता में, सफलता सफल उसका विलोम शब्द असफल। सुशिक्षित, इसमें उपसर्ग क्या हो सकता है बताइए। सुशिक्षित में उपसर्ग है क्या है? हाँ सही बताया, सु। आपको पाठ पूरा अच्छा ध्यान से सुन लिए कारण समझ गए होंगे। मैं अंत में एक दो प्रश्न गृहकार्य के रूप में दूंगी, आप प्रश्नों का उत्तर पाठ पढ़कर लिखकर लाना होगा। प्रश्न लिख लीजिए। सुनीता एक सफल अंतरिक्ष यात्री बनने में किन किन की सहायता और प्रेरणा है? इनकी सहायता और प्रेरणा है। दूसरा प्रश्न, देशवासियों के लिए सुनीता का संदेश क्या है? देशवासियों के लिए सुनीता का संदेश क्या है? हाँ बच्चों, आप इस प्रश्न को गृह कार्य के रूप में अपने अभ्यास पुस्तक में लिख कर लाना होगा और इस पाठ के अंतर्गत कुछ विलोम शब्द और उपसर्ग, प्रत्यय और पुनरुक्ति शब्द, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। इसके अलावा और भी जो शब्द होते हैं, आप अपने शब्दकोश को उपयोग करते हुए और कुछ शब्दों को भी अपने स्तर के अनुसार ढूंढ कर लिख कर लाना होगा और गृह कार्य के रूप में दिए गए प्रश्नों का उत्तर भी अपने अभ्यास पुस्तक में लिखना होगा। यहाँ तक इस पाठ के बारे में आपको जानकारी हुई और कुछ व्याकरण अंशों को भी आप सीखा है। तो पाठ के उपरांत भाषा की बात के रूप में यहाँ पर और कुछ व्याकरणांश दिए गए हैं, आप उसकी जानकारी करेंगे। चलेंगे आप भाषा की बात।
भाषा की बात में वाक्य पढ़िए, क्रियाओं पर ध्यान दीजिए। वाक्य पढ़िए और क्रियाओं पर ध्यान दीजिए। आपने पिछली कक्षा में इस क्रिया के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हो सकती है, आप लोगों को जानकारी होगी कि क्रिया के अनुसार वाक्य का निर्माण किस तरह और काल के रूप में बताया जाता है। क्रिया के अनुसार काल, भूत काल, भविष्य काल और वर्तमान काल के रूप में आप पिछली कक्षा में सीख कर ही होंगे। भूत काल, क्रिया के अनुसार भूत काल, वर्तमान काल तीसरा यानी अंतिम, भविष्य का। भूतकाल, भूतकालम, तेलुगु में भूतकालम कहते हैं और अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं, जो बीता गया होगा, बीत चुका है। और वर्तमान काल, तेलुगु में वर्तमान कालम और अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो अब चल रहा है। और भविष्य काल, तेलुगु में भविष्य कालम, अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कहते हैं, यानी इस तरह के टेंस, काल के प्रकार फ्यूचर टेंस और भविष्य में होने वाला। इस तरह क्रिया के अनुसार काल के भेद होते हैं। तो यहाँ पर पेज नंबर पृष्ठ संख्या 59 में बताया गया है कि कुछ वाक्य दिए गए हैं उदाहरण के रूप में, मैं पढ़ रही हूँ, आप सब ध्यान से सुनिए। पहला वाक्य, सुनीता विलियम्स देश का नाम ऊंचा करती है। सुनीता, दूसरा वाक्य, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तीसरा वाक्य, वैज्ञानिक अंतरिक्ष की खोज और भी करते होंगे। इन वाक्यों से क्रिया का होना वर्तमान समय में बताया जाता है। इस तरह वर्तमान काल को हम पहचान सकते हैं। और दूसरा तालिका में दिया गया है, और ध्यान से देखिए, दूसरे तालिका में दिया गया सो पहला वाक्य, वैज्ञानिक अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा वाक्य, वैज्ञानिक अपनी खोज करते रहेंगे। तीसरा वाक्य, निकट भविष्य में संसार और भी विकास कर चुकेगा। चौथा वाक्य, हम भी कुछ कर दिखाएं। इन वाक्यों से आने वाले समय में, इन वाक्यों से आने वाले समय में यानी भविष्य के समय में क्रिया होने वाली है कहकर स्पष्ट होता है। इस तालिका में आने वाली भविष्य यानी भविष्य काल के बारे में वाक्य का उदाहरण के रूप में बताए गए हैं। और पृष्ठ पलटाइए, तीसरी तालिका में दिया गया है पहला वाक्य, मैंने इसी क्षेत्र को पेशा बनाने की ठान ली। मेरा पालन पोषण बॉस्टन के समीप में हुआ है। मैंने अंतरिक्ष यात्रा करनी चाहती थी। चौथा वाक्य, वैज्ञानिकों ने बहुत से आविष्कार किए होंगे। पांचवा वाक्य, इससे मैं एक छोटा शहर मानती थी। छठवां वाक्य, हम सुनीता विलियम्स से मिलते तो बहुत खुश होते। इन छह वाक्यों में क्या है, इन वाक्यों से क्रिया बीते हुए समय में पूरी हो चुकी है कहकर प्रतीत होते हैं। बीता हुआ यानी पास्ट, जो बीत चुका है, उसे भूतकाल के वाक्य के भेद। इस तरह भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल के
उदाहरण के रूप में इस पाठ के अंतर्गत आए हुए वाक्यों को ही यहाँ बताया गया है। और आप भी कुछ अपने सृजनात्मकता और स्वयं से कुछ वाक्य का निर्माण करके इन तीन प्रकार के वाक्यों को भी अपने अपने अभ्यास पुस्तक में लिखिए और एक बार पढ़कर उसकी जानकारी भी कीजिए। और चौथा तालिका में, पांचवा तालिका में और छठवां तालिका में इस प्रकार के वाक्य दिए गए हैं कि एक एक काल में कितने रूप होते हैं, काल के एक एक काल में कितने रूप होते हैं। उदाहरण के लिए भूतकाल में छह प्रकार के वाक्य होते हैं। छह प्रकार में पहला प्रकार है सामान्य भूत, लड़के ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा आसन्न भूत, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। तीसरा पूर्ण भूत, लड़के ने पुस्तक पढ़ी थी। चौथा संदिग्ध भूत, लड़के ने पुस्तक पढ़ी होगी। पांचवा अपूर्ण भूत, लड़का पुस्तक पढ़ रहा था। छठवां हेड टू हेड मद्भूत, लड़के को पुस्तक मिलती तो पढ़ता। इस प्रकार सामान्य, आसन्न, पूर्ण, संदिग्ध इस प्रकार के काल होते हैं। सामान्य तो सिंपल कहते हैं अंग्रेजी में, आसन जो पड़ी है सोचना, पूर्ण पूर्ण रूप से, संदिग्ध यानी होगा या नहीं होगा, अपूर्ण अपूर्ण, हेतु हेतु मत, इस प्रकार के भूतकाल में छह प्रकार के वाक्य बताए गए हैं। और उसी प्रकार वर्तमान काल में तीन प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल, उसमें लड़का पुस्तक पढ़ता है। दूसरा अपूर्ण वर्तमान, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। तीसरा संदिग्ध वर्तमान, लड़का पुस्तक पढ़ रहा होगा। इस प्रकार वर्तमान काल में तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। उसी प्रकार भविष्य काल में चार प्रकार के वाक्य होते हैं। भविष्य काल के चार प्रकार के वाक्य आप देखेंगे। सामान्य भविष्य, लड़का पुस्तक पढ़ेगा। दूसरा सातत्य बोधक भविष्य, लड़का पुस्तक पढ़ता रहेगा। तीसरा पूर्ण भविष्य, लड़का पुस्तक पढ़ चुकेगा। चौथा संभाव्य भविष्य, आप पुस्तक पढ़ें। इस प्रकार भविष्य काल में चार प्रकार के, भूतकाल में छह प्रकार के, वर्तमान काल में तीन प्रकार के कार्य होते हैं, वाक्य होते हैं। इसी तरह के कुछ वाक्यों को आप स्वयं लिखकर किसी एक पाठ्य पुस्तक या पिछले कक्षा के पाठ्य पुस्तक में भी ढूंढकर आप एक एक काल के कितने प्रकार के वाक्य होते हैं उस प्रकार के वाक्य अपने अभ्यास पुस्तक में अगली कक्षा में लिखकर लाना होगा। आप सबको यहाँ पाठ पूरी तरह समझ गया होगा कि पाठ साक्षात्कार है। साक्षात्कार में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पाठ में हम किसकी साक्षात्कार के रूप में किन से प्रश्न पूछे, उनकी जानकारी कैसे की, और भाषा की बात के रूप में क्या 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 का नाम से जाने, उसी प्रकार काल के प्रकार किस तरह बताए गए हैं, एक एक काल में कितने प्रकार के होते हैं, और आप इन प्रश्नों के उत्तरों को और व्याकरणांश को ध्यान देते हुए और कुछ शब्दों को इस पाठ्यपुस्तक से ढूंढकर लिखना होगा। उसी प्रकार काल के प्रकार को भी एक बार, एक से दो बार ध्यान से पढ़कर और कुछ नए वाक्यों को, ये उदाहरण को देखते हुए कुछ नए वाक्यों का निर्माण करके लाना होगा। और आप सबको यहाँ पाठ अच्छी तरह से समझ में आया है होगा। आशा करती हूँ आप इस पाठ को पूरी तरह पढ़कर सफल होकर इसका जानकारी प्राप्त करके आने की कक्षा में, आने वाली कक्षा में और भविष्य में साक्षात्कार का किया गया तो किस प्रकार किया जाना, इस पाठ के द्वारा आप सब पूर्ण रूप से जान गए होंगे। धन्यवाद।